अरे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी अच्छे से अपने वीडियो के अंदर टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन डालोगे तो दोस्तों उससे आपका चैनल तेजी से ग्रो होगा, आपके यहाँ से वीडियोस वायरल होंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को भी पता है अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, SEO। जी हाँ दोस्तों, जितना अच्छे से आप अपने यूट्यूब वीडियो का SEO करोगे दोस्तों, उतना ही आपका वीडियो यहाँ से वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों आप सही ढंग से SEO कंप्लीट नहीं करोगे अपने वीडियो का, तो दोस्तों आपका वीडियो कैसे वायरल होगा, कैसे आपका चैनल ग्रो होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको अपने वीडियो के लिए टाइटल डालना है और कहाँ से आप अपने वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और दोस्तों, SEO को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, टैग्स। इतना अच्छे से अगर आप अपने वीडियो पर टैग्स डालोगे तो दोस्तों उतना ही आपका वीडियो यहाँ पर सर्चेबल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाया, अगर आप उसमें अच्छे से टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं डालोगे तो दोस्तों आपका वीडियो कैसे वायरल होगा। आपने सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बना दिया लेकिन दोस्तों आपने सही ढंग से टैग टाइटल नहीं डाला, तो दोस्तों आप किस तरीके से आपका वीडियो वायरल होगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने वीडियो का एकदम अच्छे से SEO कर सकते हैं, कहाँ पर आपको टाइटल, किस तरीके से आपको टाइटल डालना है, किस तरीके से अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट डालने हैं, ताकि दोस्तों आपका चैनल ग्रो हो, आपका वीडियो भी यहाँ से वायरल हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो 100% दोस्तों आपको काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। बस आप चाहिए कि रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फिर दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों, सिंपली से आपको YouTube पर एक वीडियो को अपलोड कर देना है अनलिस्टेड में। जी हाँ दोस्तों, अनलिस्टेड में आपको वीडियो को अपलोड करने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको अपने YT Studio ऐप को यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो दोस्तों सिंपली से आपको कंटेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जिस भी वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो, जिस पर आप अच्छी तरीके से टैग टाइटल, जो भी आपका जिस भी कॉन्टेंट से वीडियो है वो टैग टाइटल आप अच्छे से डालना चाहते हो, सिंपली उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको सिंपली से इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम थंबनेल करके, तो सिंपली से आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अपनी जो भी आपकी गैलरी है तो दोस्तों उसकी यहाँ पर आपको सारी फोटोज मिल जाएंगी। तो सिंपली से दोस्तों, जो भी आपने फोटो को यहाँ से अपनी वीडियो के लिए थंबनेल को क्रिएट किया है, तो सिंपली से उस थंबनेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो है यूट्यूब चैनल को परमानेंट के लिए डिलीट कैसे करें, दोस्तों मैंने तो यहाँ पर थंबनेल यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। अगर आपने जो भी अपनी वीडियो के लिए जो भी थंबनेल क्रिएट कर रखी है, तो सिंपली आपको उस थंबनेल को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, सिंपली से आपको इस डन वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डन वाले आइकन पर क्लिक करो, अब दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को पब्लिक नहीं करना, अनलिस्टेड में आपको यहाँ से सेव कर देना है। अब जैसे ही आप सेव करोगे, अब दोस्तों हमें हमारे वीडियो के लिए टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, तो वो हमें फाइंड करने के लिए सिंपली से आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, हम सारा कुछ यूट्यूब से करेंगे। अब दोस्तों, यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों, अब आपका वीडियो किस टाइप से है, तो दोस्तों मेरा तो वीडियो है यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें, तो दोस्तों सिंपली से आपको जिस भी टाइप से आपने वीडियो क्रिएट किया है, वो यहाँ पर आपको सिंपली एक बार एक कीवर्ड्स को यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोज आ चुकी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सिंपली से जो मोस्ट पॉपुलर के 3 वीडियोस आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोशिश क्या करनी है कि यहाँ से इन वीडियो की जितनी लेंथ देना, तो सिंपली से आपको लेंथ को ज़्यादा करना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो की आप लेंथ देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो की लेंथ यहाँ पर 7 मिनट 35 सेकंड है। तो दोस्तों आपको लगभग 8 मिनट के करीबन अपने वीडियो को कर देना है। और दोस्तों, जितने इन 3 वीडियोज के अंदर बताया गया, उससे अच्छा आपको अपनी वीडियो में बताना है 100% दोस्तों। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका वीडियो ऐसे वायरल होगा। लेकिन दोस्तों, आपको अपने वीडियो को टाइटल के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो सर्च किया था सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने काफी सारे यहाँ पर कीवर्ड्स आ चुके हैं, तो सिंपली आपको इन कीवर्ड्स का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ से फिर से इसको कट कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है हाउ टू बिल्ड यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप जितने तरीके से अपने जिस टाइप का आपका कॉन्टेंट है, उस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पर सर्च कर लेना है हाउ टू बिल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने हाउ टू डिलीट यूट्यूब चैनल यहाँ पर सर्च किया, दोस्तों फिर से हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो सिंपली आपको इन कीवर्ड्स का भी यहाँ से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली इसको एक बार यहाँ से आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो दोस्तों, फिर से हमारे सामने वही वीडियोज आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक बार यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वीडियो है। इस वीडियो की आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है।
जी हाँ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक योगर क्वेरीज करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारे वीडियो में जो कुछ है वो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल डिलीट, तो सिंपली आपको एक बार इसको भी यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लेना है। अगर दोस्तों आप यहाँ से वीडियो से नहीं देना चाहते, जो हमने जो पहले स्क्रीनशॉट किया था, जो हमने सर्च करके जो स्क्रीनशॉट लिया था, वही सेम क्वेरीज दोस्तों यहाँ पर डाली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन करके। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ किस प्रकार की यहाँ से एप्लीकेशन होने वाली है, तो सिंपली आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक ऊपर नीचे की तरफ यहाँ पर एक इमेज का आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको इस इमेज वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इमेज वाले आइकन पर क्लिक करो तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीनशॉट को क्लिक किया था, तो सिंपली उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जितनी हमारे यहाँ से कीवर्ड्स को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था, तो उन पर आपको ये दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से पट्टी मिल जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर एक राइट का आइकन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी हमारे फोटो में जितने कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो सेम दोस्तों हमने यहाँ से दो स्क्रीनशॉट को लिया था, तो हमने सिंपली से यहाँ पर दोनों स्क्रीनशॉट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ से दोनों स्क्रीनशॉट के जितने भी कीवर्ड्स थे वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या, इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर मैंने तो एक नोट्स को क्लिक कर रखा है, जो मैं अपने सारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने भी एक क्लिक कर रखा है तो इस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने वीडियो के लिए सारे यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक वो सारे लिंक दे रखी है। सेम आपको करना है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और दोस्तों आपने जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं दोगे तो भी दोस्तों आपने इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा योगर क्वेरीज का, तो सिंपली आपको योगर क्वेरीज पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों हमने कॉपी किया था तो सिंपली उनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर जो डेट वगैरह वो यहाँ पर मिलेगी, इसलिए आपको उनको कट कर देना है। कट करने के बाद अगर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर कीवर्ड्स मिलेंगे, तो सिंपली से आपको इन कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है कि इनको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से करना क्या है कि यहाँ पर जो इन वीडियोज जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किए थे उनके बीच में जो स्पेस है, तो सिंपली से आपको इन स्पेस को यहाँ से हटा देना है। तो आपको अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर आपको 5-6 यहाँ पर टेक्स्ट ले लेने हैं, हैश टैग्स लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बीच का स्पेस को यहाँ से कट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको हैश टैग्स का यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सारे को स्पेस हटाकर उसके आगे हैश टैग लगाओगे तो दो भी ये भी एक हैश टैग बन जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह भी आपको अपने वीडियो में यहाँ पर पहले तो आपको यूगर क्वेरीज डाल देनी है, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको हैश टैग्स का यूज करना है। अब दोस्तों क्या बचा है कि हमारे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन को तैयार कर दिए, लेकिन दोस्तों अब हमारे वीडियो के लिए टाइटल है। तो दोस्तों टाइटल को फाइंड करने के लिए सिंपली से दोस्तों हमारे वीडियो की टाइटल से यूट्यूब चैनल कैसे डिलीट करें, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू डिलीट यूट्यूब चैनल। तो सिंपली से आपको जितनी हमने स्क्रीनशॉट दिया था इनसे आपको क्लिक कर देना। आगे एक तरीका और भी बताऊंगा जिससे दोस्तों आप अपने वीडियो के टाइटल को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और दोस्तों आपको यहाँ से अपने वीडियो के लिए टाइटल को यहाँ से क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू डिलीट यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेंज लगा देनी है, या दोस्तों लाइन से आपको सिंपली इनके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने लोगों मैंने यहाँ पे दो तरीके से अपनी वीडियो डाल दिया, हाउ टू डिलीट यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें परमानेंट के लिए, कैसे करें परमानेंट। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर जिस भी टाइप से आपका वो जो वीडियो है, आपने जिस टाइप से कॉन्टेंट को क्रिएट किया उस टाइप से दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेरीज भेजें, तो आपको इसमें जो भी आपको अच्छा लगे उन कीवर्ड्स को यहाँ पर आपको कॉपी करना है, और दोस्तों यहाँ से आपको अपने वीडियो में डाल दें, जो भी आपको अच्छा लगे तो वो यहाँ से आपको कॉपी करना है, और दोस्तों अपनी वीडियो के लिए यहाँ पर टाइटल को यहाँ से आपको फिल कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के लिए यहाँ से टाइटल को भी यहाँ से क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं हाउ टू डिलीट यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें परमानेंट यूट्यूब चैनल डिलीट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ से 3 कीवर्ड्स को यहाँ पर फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपका जिस भी कॉन्टेंट है आपको सिंपली जो आप टाइटल क्रिएट करो तो सिंपली दोस्तों उसको 3 पार्ट्स में आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने 3 पार्ट में यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ से इनको कॉपी कर लेना है।
जी हाँ दोस्तों, जितना कुछ हमने यहाँ पर ऐड किया था अब सबको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने YT स्टूडियो में जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो, जिस वीडियो के लिए आपने जितना कुछ यहाँ पर क्रिएट किया है, तो सिंपली से आपको किसी उसी वीडियो को यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा और दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आप दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों पेस्ट करने के बाद सिंपली से जो मेरा टाइटल था, तो सिंपली से दोस्तों मैं इस टाइटल को ले लूँगा और दोस्तों यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जो हमारे टाइटल का सेक्शन है, तो सिंपली से आपको इस टाइटल को यहाँ से क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे टाइटल की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 100 वर्ड्स के अंदर आपको अपनी वीडियो के यहाँ पर टाइटल को डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे वीडियो का टाइटल भी मिल चुका है। अगर दोस्तों आपको टाइटल नहीं मिले तो सिंपली आपको करना क्या है, फिर से आपको YouTube ओपन करना है और दोस्तों जिस टाइप से दोस्तों आपने क्रिएट किया, जो अपने वीडियो के सर्च किया था कीवर्ड, तो सिंपली आपको यहाँ से जो मोस्ट पॉपुलर में वीडियो आ रहे हैं आपको यहाँ से एक वीडियो को यहाँ से क्लिक कर देना है और दोस्तों आप उस वीडियो से भी अपना टाइटल को ला सकते हैं। आप सेम टू सेम भी कॉपी करके डाल सकते हैं दोस्तों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे होगा क्योंकि दोस्तों उस वीडियो के सजेशन में आपका वीडियो जाने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्या है कि इस तरीके से आपको जितना आपने अपने वीडियो के लिए जो आपने टाइटल को सिलेक्ट किया है, आप सिंपली आपको उसको यहाँ से कॉपी कर देना है। जी हाँ दोस्तों, कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को सेव कर देना है और दोस्तों यहाँ से आपको बैक कर देना है। दोस्तों हमने टाइटल देख लिया, डिस्क्रिप्शन में मिल गई कि दोस्तों टेक्स्ट नहीं मिले। टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको अपने गूगल पर जाना है और दोस्तों गूगल पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पर सर्च कर देना है रैपिड टेक्स्ट करके। जी हाँ दोस्तों, रैपिड टेक्स्ट की इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा है यूज टैग जनरेटेड करके, तो सिंपली आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है दोस्तों, इसलिए मनोज देता कहा कि अपने वीडियो के लिए टाइटल यहाँ से क्लिक करते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आपने टाइटल को कॉपी किया था उसको यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपने वीडियो के लिए यहाँ पर टैग्स मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू डिलीट यूट्यूब चैनल को परमानेंट डिलीट कैसे करें। अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना और कॉपी टैग्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉपी टैग्स पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ से आपके सारे टैग्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है कि एक एक टैग्स को यहाँ से आपको बीच के जो कोमा है सिंपली उनको हटा देना है और दोस्तों सभी टैग्स को आपने अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपकी तरह से हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।